हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ लाल मिर्ची का चटपटा अचार। ये अचार आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम लाल मिर्ची। इसे अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया है और ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं लेनी है, छोटे छोटे साइज़ में लेनी है हमें अचार बनाने के लिए। मसालों में देखिए, मैंने लिया है 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। इससे चटपटापन आएगा, थोड़ा तीखापन आ जाएगा मिर्ची के अंदर। 1/2 छोटी चम्मच है ये अजवाइन। 4 चम्मच है ये अमचूर का पाउडर। आप इसकी जगह नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच है ये मेथी दाना। और देखिए, 4 चम्मच है ये साबुत धनिया। 1.5 चम्मच मैंने लिया है हल्दी। और 200 ग्राम मैंने ली है राई। तो जैसे कि 250 ग्राम आपने लाल मिर्ची ली है, तो 200 ग्राम आपको राई लेनी है, क्योंकि मेन राई होता है, इसका जो मसाला होता है राई, इसमें ज़्यादा डलती है, मतलब सरसों, काली सरसों। और यह है जीरा 1 चम्मच। ये सौंफ है, लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने सौंफ ली है। नमक लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच। और ये है हींग। देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारे जो पिसे हुए मसाले हैं ना, इन्हें तो हम कर लेंगे साइड में, जैसे कि अमचूर हो गया, नमक और हल्दी और लाल मिर्ची। और बाकी जो साबुत मसाले, जैसे जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, साबुत धनिया, काली सरसों, इन सबको हम क्या करेंगे, धीमे धीमे आंच पर इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आने लग जाए ना, और खुशबू आने लग जाए धीमी धीमी सी, तब समझ लीजिए कि आपका जो मसाले हैं वो भून चुके हैं। तो ये देखिए, मेरे मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसे ठंडा कर पीस लूँगी ग्राइंडर में। हमें इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा इस तरीके से दरदरा रखना है। इधर देखिए, तेल मैं गर्म कर रही हूँ। लगभग 1 कप तेल हम गर्म करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, चलिए जब तक हम अचार में चीरा लगाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहो ऊपर से भी अचार इस तरीके से ऊपर से काट लीजिए और भर दीजिए, पर मैं साइड में से चीरा लगाकर इसे भरूँगी इस तरीके से। बिल्कुल सारे मेरे, मैंने देखिए अचार बीच में से चीरा लगा लिया है, और इसे मैं इस प्लेट में रखकर इस वाली थाली में मैं बनाऊँगी, अपना मसाला तैयार करूँगी। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए हाथों से, ये देखिए दरदरा सा है ना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं किया है मैंने इसे। अब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्ची, हल्दी, अमचूर, नमक और हींग। हींग मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच। और ये है सिरका। देखिए, ये तो मैंने गांव से मंगाया है सिरका। आप इसे नॉर्मली मार्केट में भी मिल जाता है, और आप इसकी जगह देखिए वाइट वाला जो विनेगर आता है ना, इस तरीके का, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे देखिए क्या फ़ायदा होता है, हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी सीक्रेट टिप्स है ये, इससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होता। जिनको शिकायत होती ना, हमारे अचार में फफूंदी लग जाती है, ख़राब होने लग जाता है, नहीं चलता ज़्यादा दिन तक, तो आप इसमें, आप अपने अचार में सिरका डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना, लगभग 4 से 5 चम्मच सिरका डाल दीजिए, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, कभी फफूंदी नहीं लगेगी, सालों साल चलेगा। और ये है लगभग 2 चम्मच मंगरेल, इसे कलौंजी भी कहते हैं। इसे हम ऊपर से डालेंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब थोड़ा सा तेल डालूंगी, तेल, ओहो हमारा तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म था, पर कोई बात नहीं। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथों से, जैसे ठंडा हो जाएगा मसालों को, मैं मिला दूँगी इसमें तेल में। हमारा मसाला ठंडा हो गया, अब मैं इसमें भर दूँगी। बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल दबा दबा के मिर्ची में सारे मसाले बढ़िया से भर लेना है। इस तरीके से भर लेंगे हम। आप चाहो तो जो इसके अंदर के बीज होते हैं, आप इसे निकाल के फेंक सकते हो, निकाल सकते हो, पर मैंने नहीं निकाला है। देखिए, मेरी सारी मिर्ची भर चुकी है। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरी ये मिर्ची की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ अब भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे वीडियो के एंड में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अगर आपको अचार पसंद आता है। और पसंद तो जब ही आएगा ना, जब आप बनाकर देखेंगे, तो आप इसे बनाकर देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अभी प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। दूसरी टिप्स मैं आपको बताऊँगी
एक देखिए दूसरा तरीका ये है, जिस बर्नी में भी आप अचार भरते हो या जिस डब्बे में भरते हो उसमें क्या करना है, आपको तेल लगा लेना है। ये वही तेल है जो अभी के हमने गर्म किया था, तो इसे हम अच्छे से लगा लेंगे बर्नी में, ढक्कन में भी लगा लेना। इससे भी हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा, कोई भी अचार बनाइए सालों साल चलेगा। ये भी बहुत ही अच्छी टिप्स है। अब अचार को हम तेल में डुबो डुबो कर अच्छे से डिप करके बर्नी में भरते रहेंगे। आप इसकी जगह देखिए, कुछ लोग गांव में तो मोस्टली क्या करते हैं, लोग मिट्टी की बर्नी ले लेते हैं, मिट्टी का जार घड़ा ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका होता है वो भी। तो देखिए मैंने सारी मिर्ची इसमें भर दी है जार में, और ऊपर से हम तेल डाल देंगे, और 2 से 3 दिन तक बस आप धूप दिखा दीजिए, आपका अचार बिल्कुल बनके तैयार है। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब